मद्रास है ना, शबनी दत्त, हाँ हाँ नाम से, क्या वो दिखाना है? कुरियर आ गया है। एक्चुअली हबी के लिए मैंने वैलेंटाइन गिफ्ट कुछ ऑर्डर किया है, टी शर्ट ही ऑर्डर किया और कुछ सूझा नहीं मुझे। इनको टी शर्ट चाहिए होता है तो टी शर्ट इनको पसंद आता है, वही ऑर्डर किया था, वो आया है। तो मिंट्रा से ऑर्डर किया है मैंने। बाबू उधर जाके बैठो ना थोड़ा, एक तो पैरों में दर्द है, तुम और इधर बैठे हुए हो, पैर में भी मेरा दर्द है सही में, क्या बताओ। बीच में बाथरूम में गिर गई थी वसंत पंचमी के दिन ही शायद सुबह, हाँ वसंत पंचमी के दिन ही। उस दिन तो खुशी खुशी थी कि जाना है मंदिर, चली गई उसे, और इतना पैर में लग गया ना क्या बताओ। देखती हूँ टी शर्ट कैसा है, दो टी शर्ट ऑर्डर किया है तो एक आया है और एक आना बाकी है। मेरे हस्बैंड को ग्रीन कलर बहुत पसंद है एंड वो शादी से पहले उनके जितने भी टी शर्ट देखे थे ऑलमोस्ट सारे ग्रीन ग्रीन थे, तो मैं डांट डांट के उनको बोली कि इतना ग्रीन इतना ग्रीन, तो उसके बाद से वो ग्रीन टी शर्ट उतना नहीं लेते हैं क्योंकि मुझे उतना नहीं पसंद ग्रीन। बट इस बार मैंने उनके लिए ग्रीन टी शर्ट ही ऑर्डर किया है। सो ये है एक टी शर्ट एंड अच्छे ब्रांड का ही है एंड मुझे मिंट्रा में अच्छे डील पे मिल गया है, ये मस्त एंड हार्बर का है, तो मस्ट एंड हार्बर अच्छा ब्रांड ही है, मस्ट एंड हार्बर का है ये, देखिए अच्छे डील में मिल गया। ये ग्रीन कलर उतना भड़कीला ग्रीन नहीं है, देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा है, ऑलिव ग्रीन है, ये ऑलिव ग्रीन टाइप है, तो ये अच्छा कलर है एंड इसका प्रिंट मुझे अच्छा लगा इसे। सो होप सो के हबी को ये पसंद आएगा। और एक दूसरा वाला ऑर्डर किया है वो थोड़ा फंकी है, हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे, आज है 8th of February एंड किचन से स्टार्ट कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग, नहावा चुकी हूँ मैं एंड क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बेटा एंड हबी अभी भी सो रहे हैं, हबी का तो आफ्टरनून है, नाश्ता भी बना लिया है, देखिए क्या आलू भाजी एंड पराठा। तो आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, आप लोगों का वीकडेज अच्छा जा रहा होगा एंड मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे व्यूअर्स, आशा करती हूँ कि मेरे इस पार वाली फैमिली भी अच्छी है एंड उस पार वाली भी। तो ठीक है आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, अभी क्लास है, मीटिंग है, बहुत कुछ है बैक टू बैक। ठीक है चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो क्लास वास हो चुका है, अभी लंच करके जा भी चुके हैं एंड अभी मैं और बेटू लंच करेंगे, अभी तक नहीं किया है एंड आज है प्रपोज डे, बट प्रपोज डे अभी तक ना मैंने प्रपोज किया अभी को ना वो, क्यों सुबह से बिजी थी काम में, तो शाम को वो आएंगे तो मैं सोची हूँ चाय के साथ कुछ अच्छा सा बढ़िया सा नाश्ता बनाऊँगी जो उनको पसंद है। वो बहुत दिनों से बोल रहे हैं मिर्ची का पकोड़ा खाने का मन हो रहा है उनको, तो सोच रही हूँ मिर्ची का पकोड़ा बना देती हूँ, उनकी फरमाइश थी एंड मैं भी बनाने नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था, तो एक मिनट चाय के साथ मिर्ची का पकोड़ा बना के दूंगी एंड मिर्ची के साथ प्रपोज करूँगी, हैप्पी प्रपोज डे मिर्ची के पकोड़े के साथ। तो यही अब तक का प्लान है, देखते हैं क्या करती हूँ, जो भी होगा शेयर तो करूँगी। ठीक है चलिए फिर बाद में बात करती हूँ, भूख लगी है बहुत सही में एंड और ओ हाँ, मेरी भांजी को आज गिफ्ट भी मिल गया है, गिफ्ट मतलब उसको मैंने बहुत कुछ भेजा है छोटी छोटी चीज़ें, तो आज पहली कुछ चीज़ें उसको मिली है, चॉकलेट्स मिल गया आज उसको पहले ही एंड वो बहुत खुश थी। उसको मैंने वो चॉकलेट्स, इस बार वैलेंटाइन में एक नया कैडबरी निकला है, कैडबरी का एंड बीच में जो हार्ट है वो पिंक कलर का है, सो पिंक चॉकलेट्स है, सो वो मेरी भांजी को मिल गया एंड वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे ये चाहिए था। मतलब होते नहीं बच्चों को इन सब चीज़ों पे क्रेज़ होता ही है, मैं भी जब छोटी थी, अभी भी छोटी क्या, अभी भी मुझे भी शौक है, मुझे भी मन है मैं एक ऐसा हार्ट पॉपअप लूँ, तो उसको तो मैंने ऑनलाइन भेज दिया है, अब यहाँ से खरीदूँगी, देखते हैं कहाँ मिलता है। वही है कि शॉप में देखना पड़ेगा, उस दिन जिस शॉप में गई थी उसमें ये नहीं था, मैंने ढूंढा भी था तो वो लोग बोल रहे कि नहीं अभी तक नहीं आया है हमारे शॉप में, सो देखती हूँ बाहर जाके ढूंढना, ये एक मेरे लिए वो हो जाता है, ऑनलाइन है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन ही मंगा लूँगी और क्या। अगर मंगवाती हूँ तो यहाँ ज़रूर शेयर करूँगी, इस बार ये नया आया है कैडबरी का, तो ये मुझे बचपन से क्रेज़ है, कुछ भी नया चॉकलेट आने से उसको ट्राई करने, और कुछ चॉकलेट अच्छे लगते कुछ नहीं लगते, जो अच्छे लगते ज़बान पे चढ़ जाते तो वो खाती हूँ और जो अच्छे नहीं लगते नहीं खाती,
तो ये भी एक क्रेज होता है बच्चों में क्या, बड़ों में भी, जिसको अभी तक कभी भी कुरियर का कोई आइटम नहीं। मैं अपना शेयर करती हूँ, जब मैं कॉलेज में थी उससे पहले कौन कुरियर करेगा मुझे, कुछ नहीं मिल द कुरियर में कभी कुछ नहीं मिला मुझे, ठीक है, मेरे नाम से, मम्मा पापा के नाम से तो आती है स्पीड पोस्ट वगैरह आते थे उस टाइम, टेलीग्राम पोस्ट, लेकिन मेरे नाम से पहला कुरियर मुझे मिला था, आई थिंक मेरे हबी ने ही भेजा था कॉलेज के, मेरा ग्रेजुएशन करते करते ही, ख़त्म होते ही, मतलब शादी हो गई ग्रेजुएशन करते करते, सो ग्रेजुएशन के ख़त्म होते ही, तो हम उससे 1 साल 2 साल पहले से ही डेट कर रहे थे, तो वो तो बाहर पोस्टेड थे तब विजयवाड़ा में, तो उन्होंने मुझे बर्थडे में, बर्थडे या वैलेंटाइन मुझे भी अभी याद नहीं, कोई ओकेशन था, फर्स्ट वैलेंटाइन ही है शायद, उस टाइम उन्होंने मुझे कुरियर किया था और मेरे नाम से आया था पार्सल, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस टाइम कि पहली बार किसी ने मुझे पार्सल कुछ भेजा है मेरे नाम से। फिर मेरी मौसी ने भी भेजा था मुझे बर्थडे पे केक वगैरह, लेकिन वो सिलीगुड़ी से अलीपुर, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट उन्होंने भेजा था, तो मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे आपके नाम से पार्सल ये कुरियर आना ये एक बड़ी बात थी, और स्पेशली जो छोटे हैं उनके लिए, है ना, जैसे मैं तब छोटी थी, अब मेरी भांजी, भांजी को शायद कोई पार्सल कुरियर ऐसे नहीं भेजा होगा कभी, मैं ही भेजी हूँ, क्योंकि वो जब 7 8 साल की थी, 7 8 साल की, 8 साल की, तब भी उसको मैंने गिफ्ट भेजा था बर्थडे पे, बड़ा सा ये क्या बोलते हैं उसको, पूरा सेट था, वो माइक वगैरह, म्यूजिक बजता है, ड्रम वगैरह, पूरा सेट था अमेजोन से, वो मिला था, तो वो बहुत खुश हो गई थी, वो छोटी थी 6 7 साल की, तो वो तो लकी उसके 6 7 साल में ही उसको कुरियर कुछ मिल गया था, 7 साल में ही, एंड इतने एक कम, और अभी फिर से मतलब कुरियर में कुछ ना कुछ तो उसको मिलता ही है, तो वो बहुत खुश होती है जब उसके कुरियर उसके नाम से आता है, तो ये क्रेज है, क्रेज सभी बच्चों में होता है, बड़ों में भी होता है, जिनको अभी तक नहीं मिला है कुछ अपने नाम से कुरियर पे, या किसी ने गिफ्ट नहीं किया, तो उनको भी अगर पहली बार मिलता है तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है, एंड वो पहली बार मिलना वो खुशी अलग होता है। अभी तो चलो कुरियर आता है नाम से आपके, अब यूज्ड टू हो गई हूँ, बट शुरू में जो मिला था उस खुशी को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो अंदर से एक अलग सी खुशी होती है, तो आप सब मुझे बताना कौन कौन मुझसे अग्री करता है, आप सभी के लिए वो एक मेमोरेबल चीज़ होके रह जाती है कि मुझे फर्स्ट कुरियर इन्होंने भेजा था, या किसी ने भेजा था मेरे नाम से, ये आया था, ये एक मेमोरी बन के रह जाती है सही में, एंड बस वही है, तो छोटी छोटी ऐसी खुशियाँ ही लाइफ में मैटर करती है, मेमोरीज ही मैटर करती है और कुछ नहीं, गिफ्ट भले बड़ा हो छोटा हो कुछ भी हो, बट ये छोटी खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर आप लोगों से बाद में मिलूंगी, बहुत बक बक कर लिया। হ্যাপি প্রপোজ ডে, তাহলে কি টি শার্ট পরো না কেন, ভালো লাগ, মুখটা দিচ্ছি খালি, তুমি যাচ্ছিল না, কেমন লাগলো প্রপোজ ডে, বড়িয়া কেসে খাচ্ছে, আরে ও নিচে সে আ রা হোগা, জো ও নিচে সে আ রা হোগা বাবা। ওকে ফ্রেন্ডস, তো आप लोगों ने देखा मैंने कैसे प्रपोज किया मिर्ची के पकोड़े से, ना अभी बहुत खुश हो गए उनको सही में बहुत, और सही में पकोड़ा बहुत अच्छा बना था, एकदम कुरकुरा, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा राइस फ्लावर भी मिलाया था बेसन के साथ, बेसन के साथ थोड़ा चावल का आटा भी मिलाया था, इसलिए कुरकुरा बना था, टेस्टी बना था, परफेक्ट, लेकिन बहुत तीखा था ये बड़े मिर्ची, हालांकि तीखा होता नहीं है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा तीखा होगा, बट वो मिर्च इतना तीखा है, बट ये बड़े मिर्चियाँ तो बोलते हैं कि तीखा नहीं होता है, बट पता नहीं मेरा इस बार का ये तो बहुत तीखा था, एंड खा के एकदम बोलते नहीं ये पसीने छूट गए, बट मज़ा आया खा के सही में, तो बस ऐसे ही गया प्रपोज डे, और क्या, अभी खाना बना रही हूँ रात को, अभी फिश फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि कल मछली लाए थे, मछली लाने से 2 दिन तो जाता ही मछली, क्योंकि एक पूरा मछली लाता है तो 1 दिन में तो फिनिश होता नहीं है, तो 2 दिन तो कम से कम वो खाती ही है, तो आज फिर से बना रही हूँ मछली फ्राई कर रही हूँ, इसका दूसरा टाइप ग्रेवी बनाऊंगी आज, ये है, तो चलिए फिर आज का दिन ऐसे ही गया, आप सभी को बाय बाय टाटा। सो
सुबह से क्लास वास सब कुछ था, अभी जस्ट क्लास मतलब अभी जस्ट फ्री हुए, अभी बज रहा है 1:47 एंड हवी अभी निकल रहा है ऑफिस के लिए, सो जल्दी दे देती हूँ, आ जाए चॉकलेट। यू नो हैप्पी चॉकलेट डे। হ্যাপি চকলেট ডে। खाके बताओ पहले चॉकलेट कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, पहले खा तो लो। अच्छा ये इसको हार्ट शेप मिला, रुको रुको, मेरा तो फ्लावर था, इधर दिखाओ। अच्छा अलग अलग शेप में है, बुझो, फ्लावर एंड हार्ट। खाओ इसको, खाके बताओ कैसा है। अच्छा है, सच में अच्छा है। जाओ, मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था पता नहीं कैसा हो, बट टेस्टी है। ये किस ब्रांड का है? डार्क डेरी चॉकलेट। अच्छा है, ओके फ्रेंड्स, तो अभी तो निकल गए एंड मैं सुबह 9 बजे से अभी 1:45 तक ऑक्यूपाइड थी काम में, एंड अभी निकल रहे थे तो जस्ट मीटिंग भी खत्म हो, मैंने बोला कि रुक जाइए, वो निकल जाते नहीं तो, वो सोचे क्या बात है, कुछ शायद काम होगा, तो मैं जल्दी भाग के फिर वो चॉकलेट बॉक्स ले गई देने के लिए, इसलिए ज़्यादा वीडियो भी नहीं कर पाई एंड रिएक्शन भी कैप्चर नहीं कर पाई अभी का अच्छे से। तो चॉकलेट सही में टेस्टी है एंड मौसम अजीब सा है, सुबह से धूप थी, अभी अचानक एकदम क्लाउडी हो गया, हवा चल रही है ज़ोर से, ठंडी हवा, एंड यही है। अभी थोड़ा अभी लंच करूँगी, बहुत भूख लगी है, सुबह 9 बजे से अभी तक 1:45 बजे तक ऑक्यूपाइड थी, तो वही है। ब्रेकफास्ट तो बहुत पहले मतलब 8:30 बजे ही कर लिया था, तो अब तो सोच ही सकते हो 1:45 बजे तक भूख लग गई, बीच में कुछ खाया भी नहीं, सो ये है। चलिए फिर बाद में मिलूँगी आप लोगों से। ओके फ्रेंड्स, अभी किचन में शाम से ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ, दोपहर को सो गई थी, फिर ये दाल बना रही हूँ, देखिए माछेर माथा दिए मुगेर दाल, जो कि हम सबको बहुत पसंद है, आपको बताया था, तो ये दाल मेरी बनी गई है, अभी अभी भी ऑफिस से नहीं आए हैं, तो ये दाल बना लेती हूँ, इसके बाद मैं अंडा चढ़ा दूँगी, आज अंडा कढ़ी भी बनाऊँगी, सो दाल तो मेरी बन गई है, इसको भी उतार दूँगी। अभी आ गए हैं, चाय भी बन गई है, मलाई बन गई, तो चाय छान लेती हूँ, अभी आ गए हैं, अभी जल्दी आ। वाह ये की चॉकलेट दे। वाह ए जना, मैं सत्य चॉकलेट खा दे। वाह मुझे यही चाहिए था, थैंक यू जुनो। वो बाबुन का देखे देखे टमाटर देखो बाबा, हाफ है। वाह मुझे यही चाहिए था, ये भी मार्केट में नया आया है, थैंक यू। मुझे मिल गया चॉकलेट, चॉकलेट देखा, ये मार्केट में नया, इसी के बारे में बोल रही थी मैं, और अभी यही ले आए देखिए, एंड ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था चॉकलेट केक। वाह वैलेंटाइंस डे पे लाते हैं, आज क्यों ले आए, इसे अच्छा वैलेंटाइंस डे लाते हैं, 14 में काटते हैं तो वो तो नाम लखाना था, नाम क्या लखाना नहीं, हैप्पी चॉकलेट डे वा हैप्पी वैलेंटाइन, इको थैंक यू, मुझे बहुत मन कर रहा था चॉकलेट केक खाने का। ये क्या हुआ है, हैप्पी चॉकलेट डे, किसका बर्थडे है आज, हैप्पी चॉकलेट डे, सभी को बोल दो यहाँ हैप्पी चॉकलेट डे, हैप्पी चॉकलेट डे, ऐसे फिर से बोला हैप्पी चॉकलेट डे एवरीवन, हैप्पी चॉकलेट डे एवरीवन, खुद से बोल दिया। वाह ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ट्रफल केक।
कैसे ऐसे ऐसे कर रहा है दा तुम आके भी खवाई ना 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 हैप्पी चॉकलेट डे सुनो अब ये हार्ट मैं खा के देखती हूँ ये देखिए पिंक चॉकलेट है एक्चुअली तो ये है हार्ट मेरे बाबू ने आधा खा लिया अब मैं आधा खाती हूँ फिर हबी को दूंगी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आ रहा है हार्ट से अच्छा कुछ नहीं है नॉर्मल डेयरी मिल्क सिल्क ही है कैडबरी सिल्क इसमें ये हार्ट का क्रेज है हार्ट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर टाइप है पिंक कलर का है एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो बस यही क्रेज था और क्या लेकिन अच्छा लगा चलो मार्केट में न्यू आया ये भी टेस्ट कर लिया लेकिन आप मुझे पर्सनली बोलोगे कि ये लेना है कि नॉर्मल सिल्क तो मैं सिल्क ही लूंगी इस हार्ट के लिए ना फालतू हाँ फैंसी बट अच्छा नया चीज आने से तो ट्राई करना ही है अरे ओके तो अंडा मेरा बन गया है एक कौशा बोल लीजिए एक तो एक कौशा भी मेरी रेडी है और इधर दाल भी रेडी है तुम नहीं तोड़ोगा क्या हुआ है तो इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो गाड़ी क्यों तोड़ रहे हो क्या हुआ वो तो बताओ देखो गला काटना दिखा रहा है कितना बदमाश है क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो क्यों बाबिन ने क्या किया बताओ तुम बाबिन चीटिंग करता है बाबिन चीटिंग कर रहा है गेम में तो चीटिंग कर रहा है बोल के तुम ऐसा दिखाओगे बाबिन को नहीं बाबिन नॉटी है गलत बात है तो नॉटी है तो डांटो तुम ऐसा क्यों दिखा रहे थे गला काटना वाला कहाँ से सीखा तुमने नहीं बाबिन फिर से बाबा चीटिंग करता है जल्दी करो बार बार चीटिंग करता है अरे खेलना नहीं पड़ेगा फिर खेलो मैं अरे तुम्हें चीटिंग करोगे ना देखो कैसा गधा लड़का है देखो गेम में रोता है तय कि वो कष्ट करे बनाचे कना नष्ट कर ला तुम्हें इसके बाबिन भी बदमाश है हाँ इतना मेहनत से बनाया उसने तुमने खराब क्यों किया बिगाड़ा क्यों इसलिए रो रहा है हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून आज है 10th of February आज है थर्सडे क्लास वास खत्म हुआ मीटिंग खत्म हुआ अभी अभी जाएंगे ऑफिस आफ्टरनून एज यूजुअल लेकिन कल से इनका नॉर्मल बैक टू रूटीन फ्राइडे से पता नहीं क्यों मंडे से स्टार्ट करते वीकेंड में स्टार्ट कर रहे पता नहीं कल से ये जाएंगे अपने नॉर्मल टाइम पे और कल मुझे भी स्कूल जाना है बट मेरे पैरों का दर्द अभी भी कम नहीं हुआ है पता नहीं कैसे स्कूल जाऊंगी कल वही सोच रही हूं मुझे लगा था शायद कम हो जाएगा बोली नहीं थी पिछले ब्लॉग में कि मैं गिर गई थी बाथरूम में मुझे चोट लग गई तो उस वो दर्द अभी भी कंटिन्यू है एंड अभी भी कम नहीं हुआ है तो देखते हैं अभी कल तो स्कूल जाना ही है इस हालत में कैसे जाऊँ देखती हूँ लंगड़ा लंगड़ा के जाऊँगी और क्या लंगड़ाते हुए एंड कल था चॉकलेट डे आज टेरी डे तो टेरी में कुछ भी टेरी नहीं है फिर से रो रहा है ये है टेरी पुराना वाला सुनो अजय हैप्पी टेडी डे येलो येलो टेडी हैप्पी टेडी डे मुझे भी हैप्पी टेडी डे तो मैंने ये टेडी हबी को दिया ना हबी ने मुझे दे दिया हैप्पी टेडी डे हो गया ये पुराना टेडी है बेटे का ही है बहुत पुराना है और क्या अरे जीता जागता एक टेडी दे दिया और क्या हैप्पी टेडी डे ये है ये तो दे दिया ना जीता जागता एक टेडी रोने वाला रोतलू टेडी और क्या चाहिए बाबू तुम टेडी हो पहले ये बताओ पहले तुम बताओ तुम टेडी हो कि नहीं तुम टेडी हो मम्मा ने तुमको दे दिया बाबिन को
तुम टेडी हो ना, भाभी को दे दिया टेडी खेलने के लिए, जीता जागता और क्या। ये है हमारा जीता जागता है टेडी। हैप्पी टेडी डे बाबू एंड सुनो, हैप्पी टेडी डे, हैप्पी टेडी डे, हैप्पी टेडी डे, हैप्पी डे। सो आप सभी को हैप्पी टेडी डे और क्या। जीता जागता टेडी हमारा तो आपने देखा ही है, रोतलू टेडी जो रोता है बात बात में, गेम खेलना जिसको आता नहीं है, गेम में अगर कुछ भी हो जाए ऊंच नीच वो रोने लगता है। तो चलिए फिर बाद में मिलूंगी। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज थर्सडे ऐसे ही गया, अभी अभी आए हैं ऑफिस से, जस्ट लेट हो गया, 7 बज गए हैं। अभी चाय चढ़ाई हूँ, चाय बना रही हूँ। अभी और मैं चाय साथ में पियेंगे, मुझे अकेले चाय पीना पसंद नहीं है। अभी बोलते हैं कि पी लेना, बट मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता, तो अभी आते हैं उसी के बाद चाय पीती हूँ। एंड किसी दिन अगर ऐसा होता है कि मेरा सर दर्द हो रहा है शाम को, मतलब एकदम अजीब लग रहा है, तब जाके चाय बना के पीती हूँ, मजबूरी होता है, वरना तो मैं अभी के बिना चाय नहीं पीती शाम को। एंड अभी डिनर में तो आपने देखा ही क्या बना रही हूँ, चिकन बना रही हूँ, डिनर में रोटी बना लूँगी बस हो जाएगा। ठीक है चलिए फिर बाद में मिलती हूँ। आज टेडी डे तो ऐसे ही गया, कुछ खास नहीं, साथ में काम भी है, सब कुछ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही ब्लॉग कर पा रही हूँ, कल स्कूल भी जाना है। तो ठीक है, आप लोगों से बाद में मिलूँगी। चलो बाबा खाना रेडी है, चलो आ जाओ। इतना सारा कड़ी पत्ता, ये मुझे मेरी कलीग ने, मैम ने दिया है, बिंदु मैम ने, थैंक यू बिंदु मैम वंस अगेन। देखिए कितना सारा कड़ी पत्ता, और भी दे रही थी मैं, इतना ही लाई, इससे ज़्यादा क्या करूँगी। अब इसको पानी में रखती हूँ, फिर मेरी एक और मैम ने बताया कि पानी में रखने से ये ख़राब नहीं होगा, तो पानी में रख देती हूँ ऐसे। अभी फ्रेश व्रेश होती हूँ, फिर लंच करेंगे, लंच भी नहीं किया अभी, और हम सब एक साथ ही आ गए घर। क्या बोल रहे हो, बाबिन क्यों खा रहा है इतना चॉकलेट, बोल रहे मम्मा कब खाए फिर, बाबिन तुम इतना सारा खाया, देखो मम्मा का याद, इसको चिंता आ गया, मम्मा कैसे खाएगी, ए मम्मा का इतना फिकर है, खुद खा खा के खत्म कर दे रहा है, झूठा लड़का, तुम तो बड़े बदमाश हो बाबू, खुद चॉकलेट खा लेते हो, उसमें कुछ नहीं है, तब तो मम्मा का ख्याल नहीं आता, और अभी बाबिन खा रहा है तो इसलिए बोल रहा हूँ। ना अभी खाई नहीं, एक टॉटे तो बोलना मार কি জঘন্য রে, বুবুলি খাই শেষ করলো সব, না না তুমি খাও, লাগবে না আমার, ও ডেয়ারি মিল্ক থেকে আমি খাবো। ইয়ে এক চকলেট যে ডব্বা মানে হাবি কো দি থি, ও ডব্বা মানে ফ্রিজ কে উপর রাখা থা, মেরা বেটা উসমে সে চুরা চুরা কে কিতনে সারে চকলেট খা গয়া, আবি খালি হো গয়া, আব লাস্ট মে দো বচা হুয়া হ্যায়, তো হাবি ভি নেই খায়ে উসে, ও উসি দিন খায়ে থে, উসকে বাদ নেই খায়ে, বাবু সব খা কে ফিনিশ কর দিয়া, তো অবি হাবি খা রহা হ্যায় তো বোল রহা হ্যায় কি তুম ইতনা কিউ খা রহে হো বাবিন, মম্মা কেসে খায়েগা, উসকো মম্মা কা ফিকর আয়া, আর খুদ জব চুরা কে খা রহে হ্যায় তব মম্মা কি ইয়াদ নেহি আয়ি, চুরা কে ফিনিশ কর দিয়া সব, তব মম্মা কি ইয়াদ নেহি আয়ি, অবি মম্মা কেসে খায়ে, চলিয়ে বাদ মে বাত করতি হু। কিতনা আচ্ছা সুপ হ্যায়, পি লো, পেট ভর গয়া, ঠিকই তো, অনেকটা গজব, আর কত দাও বাচ্চা।
ये मैं खा ওটা কেন দিচ্ছো না মাখনাই দাও মাখনাই তো ভালো মাখনা খাচ্ছে না তো মাখনা খা মাখনা খা স্যুপ क्यों इतना वेट बढ़ गया ये खा लो ये लास्ट ले ये ओके फ्रेंड्स अभी इवनिंग टाइम से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया दोपहर को बस थोड़ा सा क्लिप लिया था घर पहुंच के और फिर सो गई थी सही में ज़रूरत थी थक गई थी हबी सो गए थे बेटा सो गए मैं टीवी देख रही थी फिर मेरी भी आँख कब लग गई मुझे पता नहीं चला फिर शाम को अभी हबी की हाथ की चाय मिल गई फिर हबी ने वो पैकेट वाला सूप होता नहीं जो रेडीमेड वो सूप बनाया था बेटू के लिए तो मैं सूप नहीं पी हम लोग नहीं पिए बेटू सूप पिए और मैं चाय पी जिसकी बहुत ज़रूरत थी अदरक वाली चाय तो ठीक है आज का दिन तो ऐसे ही गया और क्या मैं बोली भी नहीं शायद सुबह से आज तक 11 तारीख आज है फ्राइडे तो ठीक है फ्राइडे 11 तारीख ऐसे ही गया हमारा और क्या चलिए फिर बाद में मिलती हूँ प्रॉमिस डे है प्रॉमिस डे पे प्रॉमिस करते हैं हाथ पकड़ो ठीक है अब बोलो मेरा जो है वो तुम्हारा है तुम बोलो मेरा जो है वही तुम्हारा है तुमने प्रॉमिस किया तुम्हारा जो है वो मेरा है हाँ। ठीक है अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारा जो है वो मेरा है और मेरा जो है वो मेरा ही है Your money is my money and my money is my money. तो ये था आज प्रॉमिस डे का प्रॉमिस ये था आज प्रॉमिस डे का प्रॉमिस ठीक है अभी थुक्कू थुक्कू करने से नहीं होगा अभी बोले नहीं नहीं कोई प्रॉमिस नहीं देखो अभी को अभी अभी दुख में आ गए प्रॉमिस डे का ऐसे प्रॉमिस मैंने कर दिया दुखी हो गए